नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के संडे संस्करण में यानी संडे स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत खास है। भारत के 90 करोड़ वोटर्स के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं बता सकता। ना तो हमारे देश के नेता कभी ये समझ पाए और ना ही हमारे देश का मीडिया ये कभी समझ पाया। हालांकि हर चुनाव में एग्जिट पोल ये कोशिश जरूर करते हैं कि वो आपको नतीजे आने से पहले ही ये बता दें कि जनता के मन में क्या है और जनता ने किसे वोट दिया है। कई बार उनकी कोशिशें सही साबित होती हैं और कई बार एग्जिट पोल्स पूरी तरह गलत भी साबित होते हैं। आज की शाम 23 मई के राजनीतिक मौसम का पूर्वानुमान लेकर आई है। आज विपक्षी दलों के लिए वेदर क्लाउडी है और आज कोई रेडार काम नहीं करेगा। आज एग्जिट पोल्स ने कह दिया है कि आएगा तो मोदी ही, और मोदी है तो बहुमत मुमकिन है। आज तमाम एग्जिट पोल्स को मिलाकर बनाया गया महा एग्जिट पोल ये कह रहा है कि बीजेपी का गठबंधन बहुत आराम से बहुमत हासिल कर लेगा और नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि नेताओं को और मीडिया को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि जनता के मन में क्या चल रहा है। एग्जिट पोल्स ने बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें दी हैं, अलग अलग राज्यों में किस पार्टी को फायदा या नुकसान हुआ, आपके राज्य में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, ये पूरा नंबर गेम आज हम आपको दिखाएंगे और एग्जिट पोल्स के आंकड़ों का विश्लेषण भी करेंगे। यानी ये जो आंकड़े हैं जो सबको शायद हैरान कर देंगे, खासतौर पर जो विपक्षी दल हैं, हमारे देश के वो जो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो नरेंद्र मोदी की हार की स्क्रिप्ट तैयार करके बैठे थे, आज का दिन उन्हें हिला देगा, आज का दिन उन्हें बहुत परेशान कर देगा। लेकिन यहां हम ये भी साफ कर दें कि एग्जिट पोल्स के बहुत सारे आंकड़े अब भी लगातार आ रहे हैं, इसलिए तस्वीर थोड़ी थोड़ी देर में बदलती रहेगी, लेकिन बिग पिक्चर यानी बड़ी तस्वीर पहले जैसी रहेगी। उसमें नरेंद्र मोदी ही दिखाई दे रहे हैं। वैसे अगर एग्जिट पोल्स के आंकड़े सही साबित हुए तो यह तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक ब्रांड बन चुके हैं और उन्होंने जाति और धर्म वाले फैक्टर को इस बार पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है और जाति और धर्म के चक्कर में फंसे वोटों को आजाद करके अपनी जीत में शामिल कर लिया है। यानी वो जो वोट बैंक हुआ करते थे, जो जाति के नाम पर होते थे, जातीय समीकरणों के नाम पर होते थे, धर्म के आधार पर होते थे, उस वोट बैंक को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। आज का दौर इतना तेज है कि 5 वर्षों में पूरी पीढ़ी बदल जाती है, नेता बदल जाते हैं, राजनीति बदल जाती है, और जब सब कुछ इतनी तेज गति से बदल रहा हो तब किसी एक व्यक्ति का अपने दम पर इतना बड़ा ब्रांड बनना और शीर्ष पर टिके रहना अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। यानी ये दुनिया में किसी भी छात्र के लिए, चाहे वो राजनीति का छात्र हो या मैनेजमेंट का छात्र हो, ये एक शानदार केस स्टडी है। एग्जिट पोल्स के आंकड़े सही हुए तो इसका एक अर्थ यह भी होगा कि विपक्ष के चौकीदार चोर है जैसे जुमले फेल हो गए। चौकीदार चोर है नहीं चला, रफाल का मुद्दा नहीं चला जबकि बालाकोट चल गया, राष्ट्रवाद का मुद्दा चल गया, विकास की योजनाएं चल गई और प्रधानमंत्री को गाली देने वाले गैंग पर जनता ने सख्त कार्रवाई की है। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई से कुछ नहीं होता, जनता की कार्रवाई ही सब कुछ है। ये बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की बहुत बड़ी हार है। लुटियंस गैंग, खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग की बहुत बड़ी हार है और आज ये सारे लोग सिर्फ यही दुआ कर रहे होंगे कि काश ये एग्जिट पोल्स गलत साबित हों। जिन लोगों ने पाकिस्तान से दोस्ती की थी ये उनकी बहुत बड़ी हार है, ये उन मीडिया हाउसेस की, उन न्यूज चैनल्स की, उन अखबारों की बहुत बड़ी हार है जो मोदी की हार की स्क्रिप्ट पहले से ही लिख कर बैठे थे। और जैसा हमने कहा, वो सारे लोग अब बस यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि ये एग्जिट पोल्स गलत साबित हो जाएं। लेकिन इन बातों पर कंडीशंस अप्लाई यानी शर्तें लागू हैं। एग्जिट पोल्स के गलत साबित होने का अपना एक लंबा इतिहास रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और वहां के नतीजों ने एग्जिट पोल्स को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है, इसलिए एग्जिट पोल्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। आज हम आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल्स कैसे किए जाते हैं, उनकी सफलता और विफलता का इतिहास क्या है और एग्जिट पोल्स के लिए आदर्श सैंपल साइज क्या होता है। एक और बड़ी बात जो सामने आई आज वो ये है,
चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये कहा करते थे कि एक साइलेंट वेव चल रही है, या वो ये कहते थे कि जो मोदी लहर है वो 2014 से भी इस बार कहीं ज्यादा है। लेकिन मीडिया उस लहर को पकड़ नहीं पाया, विपक्ष के नेता उस लहर को पकड़ नहीं पाए, बुद्धिजीवी उस लहर को नहीं पकड़ पाए। ये भी आज जानने की जरूरत है कि जब वो लहर इतनी बड़ी थी तो फिर वो किसी को दिखाई क्यों नहीं दी। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जी महा एग्जिट पोल के मुताबिक देश में फिर एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने की अपेक्षा है। महा एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 308, कांग्रेस गठबंधन को 117 और अन्य पार्टियों को भी 117 सीटें मिल रही हैं। टाइम्स नाउ वीएमआर के सर्वे में एनडीए को 306, यूपीए को 132 जबकि बाकी दलों को 104 सीट मिलती नजर आ रही है। रिपब्लिक जन की बात के सर्वे में एनडीए को 305, यूपीए को 124 और अन्य को 113 सीटें मिलने का अनुमान है। रिपब्लिक सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 287, यूपीए को 128 और बाकी पार्टियों को 127 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज 18 इप्सॉस के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 336, कांग्रेस गठबंधन को 82 और अन्य को 124 सीटें मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। टाइम्स नाउ के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 58, कांग्रेस को 2, समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन को 20 सीटें दी गई हैं। इंडिया टीवी के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 50, कांग्रेस को 2 और समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन को 28 सीटें मिलने का अनुमान है। आज तक की बात करें तो यूपी में बीजेपी को 65, कांग्रेस को 2 और समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन को 13 सीटें मिल सकती हैं। आर भारत का एग्जिट पोल देखें तो यूपी में बीजेपी को 51, कांग्रेस को 3 और समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन को 26 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि एबीपी न्यूज के मुताबिक बीजेपी को यूपी में 22 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन को 56 सीटें मिल सकती हैं। इस हिसाब से यूपी के लिए जी न्यूज के महा एग्जिट पोल को देखें तो यूपी में बीजेपी को 49, कांग्रेस को 2 और समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन को 29 सीटें मिल सकती हैं। ओडिशा के एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी को बंपर फायदा मिलता नजर आ रहा है, जबकि बीजेडी को झटका लग सकता है। एबीपी न्यूज के मुताबिक बीजेपी को ओडिशा में 9 और बीजेडी को 12 सीटें, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है। टाइम्स नाउ के मुताबिक बीजेपी को 12, कांग्रेस को 1 सीट और बीजेडी को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी के मुताबिक बीजेपी 6 सीटें, बीजेडी को 15 और कांग्रेस को 0 सीट। साथ ही आर भारत जन की बात के मुताबिक बीजेपी को 12 सीटें, बीजेडी को 8 सीटें जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है। चारों चैनल का औसत निकालने पर बीजेपी को 10 सीट, बीजेडी को 11 सीट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल्स सही रहे तो ओडिशा में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र के एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी शिवसेना को कुछ नुकसान दिख रहा है। एबीपी न्यूज के मुताबिक बीजेपी शिवसेना को महाराष्ट्र में 34 और कांग्रेस एनसीपी को 14 सीट। टाइम्स नाउ के मुताबिक बीजेपी शिवसेना को 38, कांग्रेस एनसीपी को 10 सीट। आर भारत जन की बात के मुताबिक बीजेपी शिवसेना को 37, कांग्रेस एनसीपी को 10 सीट, वहीं अन्य को 1 सीट मिल सकती है। और इंडिया टीवी के मुताबिक बीजेपी शिवसेना को 34, कांग्रेस एनसीपी को 14 सीट। चारों चैनल का औसत निकालने पर बीजेपी शिवसेना को 36 सीट और कांग्रेस एनसीपी को 12 सीटें मिल सकती हैं। गुजरात के एग्जिट पोल के नतीजे में बीजेपी को मामूली नुकसान हो रहा है। एबीपी न्यूज के मुताबिक बीजेपी को 24 और कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है। टाइम्स नाउ के मुताबिक बीजेपी को 23 और कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है। इंडिया टीवी के मुताबिक बीजेपी को 22 और कांग्रेस को 4 सीट मिल रही है। आर भारत के मुताबिक 22 और कांग्रेस को 4 सीट मिल रही है। चारों चैनल का औसत निकालने पर गुजरात में बीजेपी को 23 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। बिहार का एग्जिट पोल सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। यहां एनडीए बढ़त लेती दिख रही है। आज तक के मुताबिक बिहार में एनडीए को 39 और यूपीए को 1। टाइम्स नाउ के मुताबिक एनडीए को 30, यूपीए को 10। एबीपी न्यूज के मुताबिक एनडीए को 34 और यूपीए को 6 और न्यूज 24 के मुताबिक एनडीए 32 और यूपीए को 8 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल के नतीजों पर तंज किया है और एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा उठाया। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद ममता ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एग्जिट पोल के गॉसिप पर मैं यकीन नहीं करती हूं। इस गॉसिप के बहाने ईवीएम में छेड़छाड़ करने या बदलने का गेम प्लान है। मैं सभी विपक्षी दलों से अपील करती हूं कि वो एकजुट, मजबूत और मुखर रहे। हम सभी ये जंग मिलकर लड़ेंगे।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी एग्जिट पोल के नतीजों पर ट्वीट किया और लिखा है कि हर एग्जिट पोल गलत नहीं होता है। ये वक्त टीवी बंद करके और सोशल मीडिया को लॉग आउट करके इस बात के इंतजार का है कि क्या 23 मई को दुनिया अपनी धुरी पर घूम रही है। 2019 के चुनाव के फाइनल राउंड में आज 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग हुई। इसके साथ ही 2019 का जनादेश वोटिंग मशीन में बंद हो गया। आखिरी चरण में करीब 60% वोटिंग दर्ज की गई। बिहार में 51.76%, हिमाचल प्रदेश में 64.36%, मध्य प्रदेश में 68.98%, पंजाब में 58.75%, उत्तर प्रदेश में 53.76%, पश्चिम बंगाल में 73.5%, झारखंड में 70.39% और चंडीगढ़ में 63.57% मतदान हुआ। आखिरी चरण में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पटना साहिब से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गाजीपुर से केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा, अमृतसर से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मिर्जापुर से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, भटिंडा में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर और बक्सर से अश्विनी चौबे, साथ ही आरा से आरके सिंह की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अभिनेता से नेता बने सनी देओल बीजेपी के टिकट पर गुरदासपुर से, अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल फिरोजपुर से, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री परनीत कौर पटियाला से और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही हैं। लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से शुरू हुए थे और नतीजे 23 मई को आएंगे। आखिरी दौर में भी पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान हिंसा हुई। बीजेपी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा का मुद्दा उठाया। पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की। बंगाल के मुख्यमंत्री साहिबाने जो पहले से धमकी देते आ रहे इंच इंच का बदला लेने के विषय जो वो बार बार बोल रहे हैं और उनके कहने में टीएमसी के कार्यकर्ता खुलेआम बाहर आकर के लोगों को पिटाई वगैरह करते हैं, इसीलिए हमें डर है कि आज पोलिंग खत्म होने के बाद से टीएमसी का नरसंहार उधर शुरू होगा क्या। पश्चिम बंगाल के जॉयनगर में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर वोटर्स को धमकी देने का आरोप लगा। कोलकाता के गांधी कॉलोनी के लोगों ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ता सुबह से बाइक पर घूम घूम कर लोगों को डरा धमका रहे थे। टीएमसी कार्यकर्ता पर बदसलूकी से गुस्साई सीपीएम उम्मीदवार कनोनिका घोष धरने पर बैठ गए। सतगच्छिया में फर्जी वोटिंग की शिकायत पर आनन फानन में पहुंचे डायमंड हार्बर के बीजेपी प्रत्याशी नीलांजन रॉय की गाड़ी पर हमला हो गया। हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा। टीएमसी ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की कि प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ बद्रीनाथ के भ्रमण से वोटर को प्रभावित करने का प्रयास हुआ। एग्जिट पोल में भले ही एनडीए को बहुमत मिल रहा हो पर गैर एनडीए सरकार के लिए प्रयास लगातार जारी है। नतीजे आने से पहले से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कई विपक्षी नेताओं से मिले हैं। उन्हें अब बीएसपी अध्यक्ष मायावती का भी साथ मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक मायावती इसके लिए सोमवार को दिल्ली आ सकती हैं। यहां मायावती कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों से मुलाकात कर सकती हैं। आज की जरूरत है संपूर्ण अपोजिशन को एक हो जाना चाहिए और उसी के प्रयास में चंद्रबाबू नायडू भी सबसे मिले। सबका प्रयास एक ही है कि देश का संविधान बचाया जाए। इससे पहले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के अलावा मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मिले थे। गैर एनडीए सरकार के लिए चंद्रबाबू नायडू की कोशिशें लगातार जारी हैं। नतीजों के बाद गठबंधन की स्थिति को लेकर उन्होंने आज भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और एनसीपी के मुखिया शरद पवार से मुलाकात की। बीते 24 घंटों में दोनों दिग्गज नेताओं से उनकी ये दूसरी मुलाकात थी। ये राजनीतिक दल, छोटे छोटे दल दिल्ली में कुछ चमत्कार के लिए उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन चमत्कार केवल वही चमत्कार होगा जो मोदी जी को 2014 से ज्यादा समर्थन मिलके हम सरकार बनाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया है कि मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू उन्हें हटाकर खुद सीएम बनना चाहते हैं। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि नवजोत सिद्धू के बयानों से पंजाब में पार्टी को नुकसान हुआ है।
इफ इज एम्बिशियस तो ठीक है, सबको एम्बिशन होता है। अगर उन्होंने कुछ वो चाहते हैं मेरे साथ कोई उनको, मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ, सो मुझे तो इसके साथ कोई आई हैव नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद हिम, बट ही प्रॉब्ली वॉन्ट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर एंड रिप्लेस मी, दैट्स हिज बिजनेस। लेकिन जो टाइमिंग उसने किया वन डे बिफोर द इलेक्शन, दैट इज रॉन्ग। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि उनकी पार्टी की सरकार ने धार्मिक धर्म ग्रंथों की बेअदबी के मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं की। सिद्धू की पत्नी ने भी अमरिंदर पर आरोप लगाया था कि उनकी वजह से ही उन्हें अमृतसर से कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। मैं वहीं गया जहां प्रियंका जी और राहुल जी ने मुझे भेजा, जहां अहमद पटेल साहब ने मेरा प्रोग्राम बनाया, और कौन कहता है कि पंजाब मेरा परिवार नहीं। चंद लोगों को कह के मेरी शिकायत करवाई जाती। आज का दिन बहुत खास है और आज आप इसे सुपर संडे कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे तो वैसे 23 मई को आएंगे, जिनका आप सबको बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इन नतीजों का पूर्वानुमान आज शाम को आ चुका है। आज विपक्षी दलों और मीडिया के लिए वेदर क्लाउडी है और आज कोई रेडार काम नहीं आएगा। आज एग्जिट पोल्स ने कह दिया है कि आएगा तो मोदी ही, और मोदी है तो मुमकिन है। आज तमाम एग्जिट पोल्स को मिलाकर बनाया गया महा एग्जिट पोल ये कह रहा है कि बीजेपी का गठबंधन, जिसे आप एनडीए भी कहते हैं, यानी एनडीए आराम से बहुमत हासिल कर लेगा और अगली सरकार नरेंद्र मोदी की ही बनेगी। एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि नेताओं को और मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि जनता के मन में क्या चल रहा है। एग्जिट पोल्स ने बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें दी हैं, अलग अलग राज्यों में किस पार्टी को कितना फायदा या नुकसान हुआ है, कौन कौन से नारे चले हैं, कौन कौन से मुद्दे चले, कौन कौन से नहीं चले, आपके राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, ये पूरा नंबर गेम आज हम आपको इस स्पेशल डीएनए में समझाएंगे और तमाम आंकड़ों का विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन यहां पर हम आपको ये भी साफ कर दें कि एग्जिट पोल्स के बहुत सारे आंकड़े अब भी लगातार आ रहे हैं, इसलिए तस्वीर थोड़ी थोड़ी देर में बदलती रहेगी, लेकिन बिग पिक्चर यानी जो बड़ी तस्वीर है वो अब बदलेगी नहीं, वो पहले जैसी ही रहेगी। और उस बिग पिक्चर में आपको एक ही तस्वीर नजर आ रही है और वो है नरेंद्र मोदी। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एग्जिट पोल्स के आंकड़ों की बड़ी बातें क्या हैं। आज ये तमाम एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, एनडीए को 300 या उससे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार दूसरी बार बहुमत से सरकार बना सकती है। लगभग सभी एग्जिट पोल्स देखकर ऐसा लग रहा है कि 2014 के मुकाबले बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नुकसान हो रहा है, 2014 के मुकाबले वहां से बीजेपी को कम सीटें मिलेंगी, लेकिन बीजेपी इस नुकसान को की भरपाई बड़ी आसानी से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और दूसरे राज्यों से कर रही है। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दी हैं। इसका मतलब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का राजनीतिक अभियान वहां पर फ्लॉप हो गया और कांग्रेस पार्टी का जो नारा था चौकीदार चोर है, वो नारा सुपर फ्लॉप हुआ है। इसका मतलब यह भी है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को जब मैदान में उतारा था तो बड़े बड़े दावे किए थे कि वो पूरी स्थिति को बदल देंगी। इसका मतलब यह हुआ कि प्रियंका गांधी वाड्रा का कोई असर इस चुनाव में नहीं पड़ा और उन्होंने कांग्रेस की कोई मदद नहीं की। उत्तर प्रदेश में बीएसपी और एसपी के गठबंधन के फ्लॉप होने का मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की राजनीति के कास्ट फैक्टर को उन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। जैसा आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जो गठबंधन था वो जातिगत राजनीति के आधार पर था, वो कास्ट बेस्ड वोट बैंक को ध्यान में रखकर किया गया गठबंधन था। लेकिन अगर बीजेपी ने वहां से 40 से 50 सीटें भी जीत ली, इसका मतलब यह है कि बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने जो जातीय समीकरण को लेकर अब तक वोट पड़ते थे, उस जातीय समीकरण को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, जातिगत वोट बैंक को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। बीजेपी को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बड़ी कामयाबी मिलने का अनुमान है। इन राज्यों में 2014 में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सिंगल डिजिट में ही सिमट कर रह गई इसके बावजूद। लेकिन इस बार एग्जिट पोल्स इन राज्यों में बीजेपी को 10 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जता रहे हैं।
दिसंबर 2018 में बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हार गई थी, यानी वहां अपनी सरकार नहीं बना पाई थी और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े ये बता रहे हैं कि इन तीनों राज्यों में फिर से बीजेपी का कमबैक हुआ है और बीजेपी को शानदार सफलता मिली है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक बिहार की जनता ने कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को नकार दिया है और वहां भी बिहार में भी एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 2014 में बिहार में बीजेपी के गठबंधन को 31 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी 32 से 36 सीटें जीत सकती है, यानी 2014 से भी अच्छा प्रदर्शन इस बार बीजेपी और जेडीयू मिलकर बिहार में कर रहे हैं। कुल मिलाकर एग्जिट पोल्स को एक लाइन में समेटना हो तो यही कहा जाएगा कि आएगा तो मोदी ही। एग्जिट पोल्स देखकर यह लगता है कि बीजेपी ने अखिल भारतीय प्रदर्शन किया है और ब्रांड मोदी एक बार फिर से और ज्यादा मजबूती के साथ उभरकर सामने लोगों के आए हैं। आज शाम तक किसी को मोदी वेव यानी मोदी लहर दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि ये साइलेंट वेव थी और अब यही साइलेंट वेव तूफान बनकर आपके टीवी स्क्रीन से बाहर निकल रही है। मोदी की यह लहर टीवी स्क्रीन तोड़कर आज शाम बाहर निकल रही है। आपने देखा होगा चुनाव प्रचार के दौरान लगातार इस बात पर बहस होती थी कि 2014 में तो मोदी वेव थी, मोदी लहर थी, सबको दिखाई दे रहा था कि मोदी आ रहे हैं, लेकिन इस बार 2019 में मोदी लहर कहीं दिख नहीं रही। विपक्ष के नेताओं को नहीं दिखाई दी, मीडिया को नहीं दिखाई दी, राजनीतिक पंडितों को नहीं दिखाई दी, सिर्फ बीजेपी के नेताओं को वो लहर दिखाई दे रही थी। कई बीजेपी के नेता ये भी कहते थे कि ये साइलेंट वेव है, ये अंडर करंट है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आज ये साइलेंट वेव जो है ये टीवी के स्क्रीन तोड़कर अब बाहर निकल रही है और अब एग्जिट पोल्स के जरिए मीडिया को भी ये पता चल रहा है कि मोदी वेव वाकई में थी। भारत की जनता ने राहुल गांधी को एक बहुत करारा जवाब दिया है और वो जवाब ये है कि चौकीदार चोर नहीं है। विपक्षी एकता का सबसे बड़ा नुकसान इस बार विपक्ष को ही हुआ है और ये जो एग्जिट पोल्स के नतीजे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो नारा दिया था कि चौकीदार चोर है और राफेल का जो मुद्दा उठाया था भ्रष्टाचार का, उसे जनता ने पूरे भारत में हर राज्य में नकार दिया है। जब आपको याद होगा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी नारा देते थे, वो बोलते थे चौकीदार और जनता पीछे से बोलती थी चोर है, लेकिन चुनाव के जो नतीजे एग्जिट पोल्स के जो नतीजे आ रहे हैं उससे ये पता चलता है कि ये नारा सुपर फ्लॉप रहा। जी न्यूज ने सभी एग्जिट पोल्स का एक औसत निकाला है आज आपके लिए और इस महा एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 303 सीट मिलने का अनुमान है, यूपीए को सिर्फ 117 सीटें मिल सकती हैं जबकि बाकी दलों को 122 सीटें मिलने का अनुमान है। जो अलग अलग एग्जिट पोल हुए हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। टाइम्स नाउ वीएमआर के सर्वे में एनडीए को 306, यूपीए को 132 जबकि बाकी दलों को 104 सीटें मिलने का अनुमान है। रिपब्लिक जन की बात के सर्वे में एनडीए को 305, यूपीए को 124 और अन्य दलों को 113 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 287, यूपीए को 128 और बाकी पार्टियों को 127 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी नीलसन के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 267 सीट, कांग्रेस गठबंधन को 127 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी नीलसन का जो एग्जिट पोल है उसने सबसे कम सीटें दी हैं एनडीए को और सबसे कम सीटों में भी 267 सीटें बताई जा रही हैं। न्यूज 18 आईपीएसओएस के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 336, कांग्रेस गठबंधन को 82 और अन्य दलों को 124 सीटें मिल सकती हैं। ये अलग अलग जो एग्जिट पोल हुए हैं ये आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इनका जो औसत निकलता है सबका, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर सारे एग्जिट पोल हैं और मैं आपको समझा देता हूं। पहली बड़ी बात तो ये है कि सारे एग्जिट पोल जो आपकी स्क्रीन पर हैं, सारे एग्जिट पोल बीजेपी प्लस को 300 के आसपास सीटें दे रहे हैं। देखिए 306, 305, 267 और 336। सिर्फ एक एबीपी नीलसन को छोड़कर बाकी सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। फिर भी हमने उनका एक औसत निकाला है और औसत आता है 303। कांग्रेस गठबंधन को अगर आप देखें उसमें भी सारे एग्जिट पोल लगभग एक ही बात कह रहे हैं,
132, 124, 127 और एक ऐसा एग्जिट पोल है जो सिर्फ 82 दे रहा है, उसका अगर औसत निकालें तो 117 का औसत आता है। और जो अन्य दल हैं उसमें भी लगभग सारे एग्जिट पोल लगभग एक ही संख्या दे रहे हैं, 104, 113, 148, 124 और इसका औसत आया है 122। तो ये बिग पिक्चर इस समय आपके सामने है। और अगर ये एग्जिट पोल सारे सही हैं तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि एनडीए बहुत आराम से अपनी अगली सरकार बना लेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से वापसी हो रही है। अब सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को डीकोड करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर ही ये माहौल शुरू से बनाया जा रहा था कि विपक्ष बीजेपी पर हावी हो जाएगा और महागठबंधन यहां जीत जाएगा। मायावती और अखिलेश यादव का जो गठबंधन हुआ है ये बीजेपी पर बहुत भारी पड़ेगा, शुरू से यही माहौल था। पत्रकार भी यही कह रहे थे, न्यूज चैनल, अखबार, सब यही लिख रहे थे, राजनीतिक पंडित भी यही कह रहे थे। लेकिन असलियत यह है कि महा एग्जिट पोल में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नुकसान तो हुआ है। वो 2014 के प्रदर्शन को देखते हुए इस बार इतनी बुरी स्थिति में लेकिन नहीं है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन से बीजेपी को बड़ा खतरा बताया गया था, लेकिन महा एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 49 सीटें मिल सकती हैं। देखिए यहां पर अलग अलग जो एग्जिट पोल हैं, 22, 58, 51, 50, 65 और सबका अगर औसत निकालें तो 49 सीटें बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिल रही हैं। ये उम्मीदों से काफी ज्यादा हैं और विपक्षी दलों ने तो शायद ये कल्पना भी नहीं की होगी कि बीजेपी 49 या 50 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत पाएगी। जबकि दूसरी तरफ जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, उसे 29 सीटें, 29 सीट्स मिल सकती हैं और वहीं कांग्रेस को एक बार फिर से 2 सीटें ही मिलने का अनुमान है। स्क्रीन पर अगर आप देखें तो सारे एग्जिट पोल, चाहे बीजेपी पर मतभेद हो उनमें, एसपी बीएसपी पर मतभेद हो, लेकिन कांग्रेस को लेकर किसी में मतभेद नहीं है। एक को छोड़कर सारे एग्जिट पोल सिर्फ ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सीटें मिलेंगी। और ये 2 सीटें कौन सी होंगी ये अनुमान लगाने में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सीटें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सीटें हो सकती हैं, यानी अमेठी और रायबरेली। अब अगर आप एसपी बीएसपी पर आए, 56, 20, 26, 28 और 13 ये बता रहे हैं एग्जिट पोल, और अगर हम उसका औसत निकाल लें तो 29 सीटें आती हैं। तो यहां अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य, 80 सीटें जहां पर हैं उसमें 49 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, 29 सीटें अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन को मिल रही हैं, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं। यानी विपक्षी दलों ने और मीडिया के एक बड़े वर्ग ने जो नुकसान बीजेपी को होने वाला था, इसकी संभावनाएं जताई थी, वो नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के महज 29 सीटों पर सिमटने से यह साफ है कि दोनों दलों के बीच वोटों का ट्रांसफर नहीं हो पाया। इसके अलावा बीजेपी ने जातिगत समीकरणों को बेअसर करते हुए बड़े पैमाने पर वोट हासिल किए हैं। देखिए यहां पर आपके लिए जो समझने वाली बात है वो ये है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा और बीजेपी को नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन ऐसे जातिगत समीकरणों के बावजूद बीजेपी 49 सीटें जीतते हुए यहां नजर आ रही है। एग्जिट पोल्स के आंकड़े अब भी लगातार अपडेट हो रहे हैं और यह आंकड़ा 50 सीट के पार भी जा सकता है। एंटी इनकम्बेंसी और गठबंधन के होने के बावजूद अगर बीजेपी 50 से ज्यादा सीट जीत पाती है तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। और अगर आप एक बार फिर से नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल पर, अपने स्क्रीन पर मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाएं, तो अब आपको यहां पर यह समझ में आएगा कि जहां समाजवादी पार्टी और बीएसपी कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे थे, यानी जातिगत आधार पर राजनीति कर रहे थे, और जो जातियों के अलग अलग वोट बैंक हैं उसके आधार पर वो राजनीति कर रहे थे, उनका जो पूरा कैलकुलेशन था वो जातियों के आधार पर था। लेकिन अगर बीजेपी वहां से 50 सीटें जीत रही है, इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने जो जातिगत समीकरण है उनको तोड़ दिया है और उन्होंने ऐसी स्थिति वहां पर पैदा की है कि कोई भी जाति हो, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो या ब्राह्मण हो या किसी भी जाति का हो, उन्होंने जातिगत आधार से ऊपर उठकर बीजेपी को वोट दिया है। इसके मायने हैं कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी अब भी सुपरहिट बनी हुई है। अगर ये एग्जिट पोल
सच साबित होते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल पर भी एक बहुत बड़ी मोहर मानी जाएगी और योगी आदित्यनाथ को भी इसका काफी श्रेय जाएगा, क्योंकि लोग लगातार ये कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। लेकिन ये धारणा गलत साबित हुई। इसका मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ अगर 50 सीटें जीतकर बीजेपी को दे देते हैं तो पार्टी में उनकी स्थिति और मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा सीट के लिहाज से महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र के एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी शिवसेना को कुछ नुकसान दिख रहा है। एबीपी नीलसन के मुताबिक बीजेपी शिवसेना के गठबंधन को महाराष्ट्र में 34 और कांग्रेस एनसीपी को 14 सीटें मिलने का अनुमान है। टाइम्स नाउ के मुताबिक बीजेपी शिवसेना को 38, कांग्रेस एनसीपी को 10 और इंडिया टीवी के मुताबिक बीजेपी शिवसेना को 34, कांग्रेस एनसीपी को 14 और रिपब्लिक भारत जन की बात के मुताबिक बीजेपी शिवसेना को 37, कांग्रेस एनसीपी को 10, अन्य को 1 सीटें मिल सकती हैं। औसत निकालने पर बीजेपी शिवसेना को 36 सीटें और कांग्रेस एनसीपी को 12 सीटें मिलने का अनुमान है। महाराष्ट्र का पूरा जो स्कोर कार्ड है आपकी स्क्रीन पर है। 48 में से 36 सीटें एनडीए वहां पर जीत रही है, यानी बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन जीत रहा है। गुजरात के एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी को मामूली नुकसान हुआ है। 2014 में बीजेपी ने यहां सभी 26 में से 26 सीटें जीती थी। महा एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 23 सीट और कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं, यानी इस बार बीजेपी ने 3 सीटें वहां से खो दी हैं। अगर आप एग्जिट पोल्स पर भरोसा करें और ये सारे एग्जिट पोल अगर सही हैं, देखिए इनमें से एक भी एग्जिट पोल बीजेपी को 26 में से 26 नहीं दे रहा है। एक ने 24 दिए हैं, 23, 22, 22, लगभग एक समान रिजल्ट सारे एग्जिट पोल दे रहे हैं। और अगर उसका औसत निकाला जाए तो 23 सीटें बीजेपी जीत रही है 26 में से, 3 सीटें यहां बीजेपी को नुकसान हुआ है। उड़ीसा के एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी को बंपर फायदा दिख रहा है, जबकि बीजेडी को झटका लग सकता है। एबीपी नीलसन के मुताबिक बीजेपी को उड़ीसा में 9 और बीजेडी को 12 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट वहां नहीं मिल रही है। टाइम्स नाउ के मुताबिक बीजेपी को 12, कांग्रेस को 1 सीट और बीजेडी को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। एक दूसरे एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 6, बीजेडी 15 और कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल रही है, यानी कांग्रेस का उड़ीसा में खाता तक नहीं खुलेगा, एक भी सीट वहां पर नहीं मिल पा रही है। एक और एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 12, कांग्रेस बीजेडी को 8 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। और ये जो चारों एग्जिट पोल हैं उनका औसत निकालने पर बीजेपी को 10 सीट, बीजेडी को 11 सीट मिलने का अनुमान है। और एग्जिट पोल्स अगर ये सही रहे तो उड़ीसा में कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हो रही है, यानी कांग्रेस का सफाया उड़ीसा से हो गया। लेकिन बीजेपी ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है वहां पर, क्योंकि बीजेपी को 10 सीटें वहां से मिल रही है। अब देखिए राजस्थान में क्या हुआ है। राजस्थान में इस समय कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में एबीपी नीलसन के मुताबिक बीजेपी को 19 सीटें मिल रही हैं। टाइम्स नाउ वीएमआर के मुताबिक 21 सीटें मिल रही हैं। रिपब्लिक भारत जन की बात के मुताबिक 21, इंडिया टीवी सीएनएक्स के मुताबिक 21 सीटें मिल रही हैं, यानी जो औसत निकल रहा है राजस्थान से वो है 25 में से 21 सीटें बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस सिर्फ 4 सीटें वहां से जीत रही है और अन्य दलों को 1 सीट वहां पर मिलती हुई दिख रही है। इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां अभी कुछ महीने पहले ही कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था विधानसभा चुनाव में, लेकिन वहां पर एक बार फिर से बीजेपी की वापसी हुई है और 25 में से 21 सीटें वहां पर बीजेपी जीत रही है। अब देखिए बिहार में क्या चल रहा है। बिहार में एबीपी नीलसन के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 34, टाइम्स नाउ वीएमआर के मुताबिक 30, जन की बात के मुताबिक 30 और न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के मुताबिक 32 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को 6, 10, 6, 8
ये स्कोर दिया है अलग अलग एग्जिट पोल्स ने। औसत निकाला जाए तो बीजेपी को 32 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी गठबंधन को, वहां बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है, और कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस का वहां पर आरजेडी के साथ गठबंधन है, और यहां पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन यहां पर भी एनडीए यानी बीजेपी अपने सहयोगी दल जेडीयू के साथ कर रही है, यानी बिहार का इम्तिहान भी बीजेपी ने पास कर लिया। आज के एग्जिट पोल्स ने जो भविष्यवाणी की है वो भविष्यवाणी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले ही कर दी थी। उन्होंने 8 मई को जी न्यूज को दिए अपने इंटरव्यू में ये कह दिया था कि आएगा तो मोदी ही। आज आपको उस इंटरव्यू का ये छोटा सा हिस्सा हम आज सुनाना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त जब वो इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था तो लोगों को लगा था कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक ऐसे ही एक दावा कर रहे हैं जैसे कोई भी नेता करता है। लेकिन आज अगर आप उसी बयान को दोबारा सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि शायद प्रधानमंत्री मोदी को यह यकीन था उस समय भी कि आएगा तो मोदी ही। सारे लोग बाहर पूरे देश में एक ही सवाल पूछते हैं कि चुनाव के बाद कौन आ रहा है, और आपके विरोधी ये सपना देख रहे हैं कि आप अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से पैक कर रहे हैं। तो हम भी जब आए तो हम देख रहे थे कि शायद आपने कुछ पैकिंग वगैरह शुरू की, बोरिया बिस्तर आपका कहीं पैक होते हुए हमें दिख जाए। तो पहला सवाल यही है कि पैकिंग आपने शुरू की या अभी आप यहीं रहेंगे, और हमने तो ये भी सुना है कि आपने 100 दिन का एजेंडा भी अपना अगली सरकार का तैयार कर लिया है। विरोधी लोग क्या सोच रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, उनको सपने देखने का पूरा हक है और अपने ख्वाबों में वो खोए रहे, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरा पूरा पक्का विश्वास है कि देश की जनता ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज्यादा सीट देने का तय किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथी दल एनडीए के सभी दलों को भी ज्यादा सीटें देना तय किया है। 2014 में जो लोग जो राज्य कम थे, जहां हमारा प्रतिनिधित्व कम था, इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि उसमें भी हमारा प्रतिनिधित्व यानी एक तरह से पान इंडिया जिसको कहें वैसा चित्र खड़ा होगा जी। और इसलिए मैं इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। जहाँ तक बिस्तरा बोरिया का सवाल है, कोई मेरी एक्सपायरी डेट बोल रहा है तो मैं तो हर चीज़ के लिए तैयार रहता हूँ। तो आपने कभी मन में कहीं ये भी आपके है कि मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि पैकिंग की ज़रूरत पड़ी जाए तो थोड़ा लोगों को स्टाफ को ये भी बोल के रखा कि भाई सामान थोड़ा समेटना शुरू कर दो? एक तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम है मेरी जिंदगी एक झोले में होती है जी, तो मुझे वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैंने कहा अभी ज़्यादा दिन बचे नहीं, 23 तारीख है, तो उनको ख्वाब में खोने दीजिए ना, उनको मजा लेने दीजिए ना। सो यू आर हियर, अगर आप जानकारी दे देंगे कि मोदी जी ने कहा कि मैं तो रहने वाला हूँ, तो बेचारों की नींद डिस्टर्ब होगी, उनके ख्वाब गड़बड़ हो जाएगा, तो कृपा करके आप मत बताइए। लोग कहते हैं कि साइलेंट इलेक्शन है ये, जबकि आप ये कह रहे हैं कि पिछली बार से भी ज़्यादा आपकी सीटें आएंगी, तो किस वेव किस लहर के आधार पर आप ये दावा करते हैं कि पिछली बार से ज़्यादा सीटें आपकी आएंगी? आप मीडिया वाले हमारा जो मूल्यांकन करते हैं या पॉलिटिकल पंडित हमारा एनालिसिस करते हैं, अच्छा होगा एक बार आप लोग भी बैठ करके अपना एनालिसिस कीजिए। सबके सब पंडितों ने 2014 में रिजल्ट आने से पहले बार बार कहा है वेव नहीं था, बार बार कहा है, और कुछ तो सीना ठोक करके कहते थे जी। और फिर जब हो गया परिणाम तो उनको तो कोई पूछने वाला है नहीं, हमारा तो हिसाब मांगा जाता है, उनका हिसाब कौन मांगता है। हुआ तो वही जोर जोर से कहने लगे, देखो मैं कहता था वेव है। तो अब मुझे लगता है इसकी चर्चा 23 के बाद ही करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 23 के बाद क्योंकि मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, EVM बोलेगा जी। देश की जनता बोलेगी और आपको बोलने के लिए मजबूर करेगी। अब मैं उल्टा सवाल आपसे पूछता हूँ और इसको आप हाइपोथेटिकल, पत्रकार के सब सवाल उल्टे ही होते हैं, कभी सीधे हो ही नहीं सकते।
तो मेरा ये सवाल पूछने का मन है आपसे कि मान लीजिए 272 से कम सीटें रह गई, तब आपका प्लान बी क्या है? पहली बात है कि सरासर ये सवाल अगर ये कोई रिकॉर्डिंग रख के रखेगा और भविष्य में किसी और टीवी की दुनिया में आपका इंटरव्यू होगा तो वो सामने दिखाएगा कि आपने तो 272 से भी कम सोचा था और मोदी तो काफी आगे निकल गए, तो आप जर्नलिज्म में कहाँ खड़े हो? मैं ये रिस्क ले तो आपकी मुसीबत आ जाएगी जी। आपको मैं नहीं चाहता हूँ ये संकट आपको झेलना पड़े, इसलिए ये बिल्कुल बेफजूल क्वेश्चन है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती थी, पूर्ण बहुमत से जीती हुई बीजेपी इस बार उससे भी ज़्यादा सीट लाने वाली है। बीजेपी और एनडीए बहुत बड़ी मात्रा में हमारा विजय था, एनडीए की संख्या बढ़ने वाली है और इसलिए प्लान ए बी सी डी ई एफ जी जहाँ तक आपको जाना है जाइए, एक ही है 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, एनडीए की मीटिंग होगी, लीडरशिप की विधि पूरी हो जाएगी और राष्ट्रपति जी शपथ विधि के बुलाएंगे और इसलिए आप अपनी टीम को भी इस शपथ समारोह को कैसे कवर करना और ग्लोबली कैसे कवर करना उसकी योजना में लग जाइए जी। यानी आपकी शपथ से पहले ये आपका पहला इंटरव्यू है, इसको हम ऐसे करके ब्रांड कर सकते हैं। आप इसका जैसा उपयोग करना है छूट है, पत्रकार को हर चीज छूट होती है। ये जो इंटरव्यू है प्रधानमंत्री मोदी का, ये हमने 8 मई को रिकॉर्ड किया था, 9 मई को आपको दिखाया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था एग्जिट पोल्स देखकर वो सारी बातें ऐसा लगता है कि सच साबित हो रही हैं। अब हम आपको गुजरात की राजधानी गांधीनगर लेकर चलते हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी इस समय हमारे साथ हैं और उनका रिएक्शन क्या है, उनकी टिप्पणी क्या है आज एग्जिट पोल्स पर, ये जानते हैं। विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विजय जी, जो आज जो एग्जिट पोल्स के नतीजे आ रहे हैं, जो आज एग्जिट पोल्स जो बता रहे हैं वो तो आपके कानों में मधुर संगीत की तरह इस समय बज रहा होगा। आपको मेरी आवाज आ रही है विजय जी? कोई आवाज नहीं आ रही है, अभी आई, पहले आपने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आज के एग्जिट पोल्स के जो रुझान आ रहे हैं वो तो आपके कानों में मधुर संगीत की तरह बज रहे होंगे अभी। जरूर जरूर, अच्छा लग रहा है जी। बहुत छोटा जवाब था आपका, लेकिन क्या आपको शुरू से दिखाई दे रहा था कि एक मोदी लहर अभी चल रही है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि साइलेंट इलेक्शन है और बीजेपी के नेता कहते थे कि साइलेंट वेव है और विपक्ष के नेता कहते थे कि इस बार कोई लहर है ही नहीं? देखिए, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि इस बार मोदी लहर नहीं, मोदी नाम की सुनामी होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में जो उत्साह था और 2014 में सिर्फ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात थी, इस बार 5 साल में मोदी जी ने ईमानदारी से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान को कड़ा जवाब, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी और बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बनाई। लोगों में मोदी जी के प्रति आविर्भाव और बढ़ा है। और हमारे गुजरात की बात करें तो गुजरात के लोगों में काफी उत्साह था कि दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और भारी मतदान भी हुआ और भारतीय जनता पार्टी 26 से 26 सीट जीतने वाली है। आपका अनुमान 23 सीट का है, लेकिन मेरा स्पष्ट
अनुमान है कि 26 से 26 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जिस तरीके से 4 महीने पहले अभी 3 राज्यों में चुनाव हुआ, वहां भी भारतीय जनता पार्टी 25 में से 23, 29 में से 27, तो गुजरात में तो 26 से 26 हम जीतेंगे ही, मुझे पूरा विश्वास है। और ये लहर सभी जगह चलेगी और मोदी लहरी इस देश में पुनः ज्यादा से ज्यादा बहुमत के साथ मजबूत सरकार, मजबूत नेतृत्व मोदी की सरकार के द्वारा देश को मिलेगा, ये निश्चित है जी। रूपाणी जी, आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि एग्जिट पोल्स ने जो आज संकेत दिए हैं, वो आपको क्या लगता है कि पूरी मोदी लहर को स्टडी कर पाए हैं या मोदी लहर को अभी भी उन्होंने 10-20% कम करके ही आंका है और सीटें इससे ज्यादा होंगी जितनी दिखाई दे रही हैं? इससे ज्यादा सीटें मिलेगी। और मैंने बताया, शब्द प्रयोग किया, लहर नहीं, ये एक झंझावती लहर है कि सभी राज्यों में ये पूरा पॉलिटिकल पंडितों के हिसाब किताब से ज्यादा ये सीट मिलने वाली है। और क्लियर कट बीजेपी को ज्यादा सीट मिलेगी, एनडीए को भी ज्यादा सीट मिलेगी और अच्छी 5 साल की स्टेबल गवर्नमेंट, मजबूत गवर्नमेंट मोदी जी देंगे जी। रूपाणी जी, आप गुजरात जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, खुद भी आप एक सीजन्ड लीडर हैं और राजनीति को अच्छी तरीके से समझते हैं, आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस बार जब भी खासतौर पर जो पत्रकार, मीडिया, राजनीतिक पंडित जब बाहर जाते थे तो वो कहते थे कि कोई लहर दिखाई नहीं दे रही है, साइलेंट लहर है, कोई भी उस लहर को पढ़ नहीं पाया। विपक्ष के जो नेता थे वो भी ये कहते थे, हम राहुल गांधी की बातें सुनते थे, वो कहते थे कि चौकीदार चोर है का जो नारा है वो पूरे देश में गूंज रहा है। तो ये जो मीडिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन है, जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो लेखक हैं, पत्रकार हैं, वो इस लहर को समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए, या वो इसे देखना नहीं चाहते थे? मुझे ऐसा लगता है कि जो मीडिया के जो कर्मी है वो अपने ही जो माइंडसेट है, अपने लेंस से देखते उनके हैं। आधार पर ही वो काम कर रहे थे, वो देखना नहीं चाहते थे, नहीं देखना चाहते थे। और उसको 23 तारीख के बाद ही स्वीकारना पड़ेगा। और एग्जिट पोल ने तो एक दिशा दे दी कि इस बार एनडीए को सत्ता मिलेगी, ज्यादा सीट मिल रही है, इससे भी ज्यादा 23 तारीख को सीटें मिलने वाली है। और मैंने बताया, बंगाल से लेकर गुजरात तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की वोटों की बढ़ोतरी होने वाली है, वोटिंग शेयर भी बढ़ने वाले, सीटें भी बढ़ेगी। और इस बार बंगाल, उड़ीसा, बिहार, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट और साउथ में भी, कर्नाटक में भी ज्यादा सीट मिलने वाली है जी। रूपाणी जी, लेकिन आपने ये तो आप मानेंगे कि पूरा चुनाव सिर्फ मोदी जी के नाम पर लड़ा गया है, वही सबसे बड़ा मुद्दा थे, वही चैलेंजर थे, वही डिफेंडर थे। अब क्या हम ये मान लें कि जो बीजेपी है, क्या हम ये मान लें कि बीजेपी अब एक वन मैन पार्टी बन गई है और आपके पास एक ही ब्रांड है और वो है ब्रांड मोदी, सिर्फ उसी पर कोई मुद्दे अब जो है मायने नहीं रखती, कोई मुद्दे मायने नहीं रखते, सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया? देखिए, हर चुनाव में नेता, एक मजबूत नेता होना चाहिए। हमारे पास एक मजबूत नेता भी मोदी जैसे थे, हमारी नीतियां भी 5 साल लोगों ने देखी, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम किया हमारी सरकार ने, और हमारी नीयत भी लोगों ने पहचानी, नीयत स्पष्ट थी, हमारी नियत पर भी कोई शक नहीं कर सकते थे। मोदी जी ने ईमानदार नेतृत्व किया
और सरकार ने भी ईमानदारी से काम किया, तो नेचुरल कोर्स में मोदी इतनी बड़ी प्रतिभा बन गई और इस चुनाव मोदी के इर्द गिर्द ही रहा, प्रो मोदी और वर्सेस मोदी। मजबूत सरकार कौन देंगे, मजबूत प्रधानमंत्री कौन होगा, इस देश में देश को कौन संभालेगा, कौन सलामत रखेगा, यही चुनाव का मुख्य मुद्दा बन गया। और उसमें मोदी जी सबके मनपसंद नेता बने और भारत का मन सिर्फ मोदी जी के प्रति लोगों में इतनी आस्था बढ़ गई, इसलिए इस चुनाव मोदी केंद्रीय स्थान पर रहा और मोदी के कारण फिर से ज्यादा बहुमत से मजबूत सरकार हम देने वाले हैं। जी, एक सवाल, इसको आप आखिरी सवाल मानिए, अगर अब मोदी सरकार दोबारा से वापस आती है, आपको लगता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इस बार बुलाना चाहिए जैसे पिछली बार नवाज शरीफ को बुलाया था? देखिए, मैं मानता हूं कि पूरे देश और दुनिया में भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में अपना स्वाभिमान दिखाया है, तो उस दृष्टि से भारत पाकिस्तान पहले आतंकी के मसले पर अपना रवैया स्पष्ट करे और बाद में हम उसके साथ संबंध रखेंगे, ये स्पष्ट मोदी जी ने बताया है, सरकार ने भी स्टैंड लिया है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस बार ये कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। जी, चलते चलते आपका कोई एस्टिमेट है, एग्जिट पोल तो बता रहे हैं कि 303 सीटें एनडीए की आएंगी, आपका कोई, अगर आप कोई अपना नंबर, अपना कोई प्रेडिक्शन देना चाहें, कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, मैं तो दो बातें करूंगा। लास्ट टाइम 282 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, इससे ज्यादा सीटें मिलेगी, और एनडीए को 330 सीट मिली थी, उससे भी ज्यादा सीट मिलेगी, और अगले 5 साल एक स्टेबल गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी नेतृत्व करेंगे, ये निश्चित है। जी रूपाणी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और अभी आपको कंडीशंस अप्लाई वाली बधाई हम आज ही दे देते हैं, और जो फाइनल बधाई है वो आपको 23 मई के बाद देंगे जब फाइनल नतीजे आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कर्नाटक में महा एग्जिट पोल में अब बात करते हैं हम उन राज्यों की जहां पर हाल ही में कांग्रेस आई थी। हमने आपको राजस्थान बता दिया, राजस्थान में 25 में से 21 सीटें जीत रही है बीजेपी, जबकि वहां हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब कर्नाटक की बारी है, कर्नाटक में देखिए महा एग्जिट पोल में इस बार एनडीए को वहां 20 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन जो वहां सरकार चला रहा है उसे सिर्फ 8 सीटें मिल रही हैं। 2014 में बीजेपी ने कर्नाटक में 17 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 9 और जेडीएस को 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पर कर रही है, 20 सीटें इस बार वहां जीत रही है। मध्य प्रदेश एक और राज्य जहां हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी है, कमलनाथ मुख्यमंत्री हैं, इस बार एग्जिट पोल में बीजेपी को 24 सीटें मिल सकती हैं, ये देखिए, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिलने की संभावना है। 2014 में बीजेपी ने 27 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी, यानी बीजेपी को मध्य प्रदेश में पिछली बार के मुकाबले 3 सीट का इस बार नुकसान हो सकता है, लेकिन यह देखते हुए कि हाल ही में बीजेपी वहां पर हार गई थी विधानसभा चुनाव में, वहां कांग्रेस की सरकार है, उसके हिसाब से बीजेपी का 24 सीटें वहां पर लेना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर राजस्थान की बात करें तो पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, 25 में से 25 सीटें ली थी, इस बार एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को वहां 21 सीटें मिल सकती हैं, यानी 4 सीटों का नुकसान है, लेकिन तो भी 25 में से 21 सीटें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा। एग्जिट पोल्स के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को करारा झटका लग सकता है। 2014 में बीजेपी ने दिल्ली में 7 में से 7 लोकसभा सीटें जीती थी, इस बार भी उसका प्रदर्शन 100% वाला ही दिख रहा है। दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 6ठे चरण में
12 मई को वोट डाले गए थे। हालांकि इस बार 2014 की तुलना में कम वोट पड़े और 60% मतदाताओं ने ही वोट डाले। दिल्ली में बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन को लेकर आखिरी क्षणों तक कई दौर की बातचीत होती रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं रही। लेकिन यहां अब आप देख सकते हैं कि बीजेपी 7 में से 6 सीटें अगर औसत हम देखें तो जीत रही है। कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। एग्जिट पोल अगर आप अलग अलग देखेंगे तो एक एग्जिट पोल 7 में से 7 दे रहा है, एक 6 दे रहा है, एक 5 दे रहा है और दूसरा 7 में से 7 दे रहा है। इसलिए औसत अगर निकालें तो 6 सीटें बीजेपी जीत सकती है दिल्ली से। अब देखिए केरल, जहां पर बीजेपी ने बहुत जोर लगाया था। केरल में 2014 में बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती थी, लेकिन इस बार एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 1 सीट केरल में मिल सकती है और पहली बार बीजेपी का केरल में खाता खुलेगा। और नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो पिछली बार असम में बीजेपी को 14 में से 7 सीटें मिली थी। इस बार के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 6 में से 8 सीटें मिल सकती हैं। अनुमानों के मुताबिक मणिपुर में बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और इन दो राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में बीजेपी को कोई खास फायदा इस समय नहीं दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में 2014 में बीजेपी ने 11 में से 10 सीटें जीती थी और इस बार एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने इस राज्य में अपने सभी सांसदों के टिकट काट दिए थे, यानी पूरे नए लोगों को, नए चेहरों को उन्होंने टिकट दिए हैं, तो भी बीजेपी यहां पर 7 सीटें जीत सकती है। 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, 11 में से 7 सीटें बीजेपी जीत रही है। अब इन एग्जिट पोल्स के अनुमानों को देखकर लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या बीजेपी को 2014 से भी ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदी हार्टलैंड में कास्ट फैक्टर को तोड़ दिया। अब हम आपको बड़ी बातें बताते हैं। बड़ी बातें क्या हैं? बड़ी बात यह है कि हिंदी हार्टलैंड, उत्तर भारत की जो राजनीति है, जो जातिगत समीकरणों के आसपास घूमती है, नरेंद्र मोदी ने उस जातिगत समीकरण को तोड़ दिया है। मोदी से पहले भारत की राजनीति में पिछड़े वर्ग के लोग पिछड़े वर्ग के नेताओं को वोट दिया करते थे और जो अगड़े वर्ग के जो लोग थे वो अपने जाति के लोगों को वोट दिया करते थे और सब कुछ जातिगत आधार पर चलता था। और इसीलिए आपने ये शब्द बार बार सुना होगा, वोट बैंक। वोट बैंक होता था, चाहे मुसलमानों का वोट बैंक हो, चाहे यादवों का वोट बैंक हो, चाहे दलित वोट बैंक हो, चाहे ब्राह्मण वोट बैंक हो, ये वोट बैंक के आधार पर राजनीति हुआ करती थी। लेकिन इस बार बीजेपी की टीम ने, नरेंद्र मोदी ने इस कास्ट फैक्टर को तोड़ दिया। नरेंद्र मोदी इन सभी वोटों को एक कॉमन पूल में लाने में कामयाब रहे और यह मोदी के प्रशंसकों का एक कॉमन पूल है जिसमें सभी जाति के जो लोग थे उन्होंने जाति के आधार से ऊपर उठकर बीजेपी को वोट दिया और नरेंद्र मोदी को वोट दिया। एक बहुत बड़ा शिफ्ट है भारत की राजनीति में, बहुत बड़ा बदलाव है, खासतौर पर उत्तर भारत की राजनीति में, जहां पहले लोग सिर्फ अपनी जाति के उम्मीदवार को ही वोट दिया करते थे, अपनी जाति की पार्टी को ही वोट दिया करते थे, उससे बाहर कभी नहीं जाते थे। और यही कारण था कि मायावती जैसे जो नेता हैं वो इतने कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, भरोसे के साथ कहते थे कि हमारे जो डेडिकेटेड वोटर्स हैं, हमारा वोट बैंक हम किसी के भी खाते में डाल सकते हैं, हमारा वोट बैंक, हमारा वोट हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी गलतफहमी इस बार टूट गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 17 करोड़ वोट मिले थे और इस बार की पूरी संभावना यह है कि बीजेपी का वोट इससे कहीं ज्यादा बढ़ने वाला है। 32% वोट मिले थे तब बीजेपी को और इस बार एग्जिट पोल्स के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी को 32% से भी ज्यादा वोट इस बार मिलेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष सत्ता बदली थी। इन राज्यों में अब कांग्रेस की सरकारें हैं, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान देखकर लगता है कि जनता 3-4 महीने में भी अब पछताने लगी है और वो वापस बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भले ही मतदाता कांग्रेस के पक्ष में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो दोबारा बीजेपी की तरफ लौट गए हैं, शायद ब्रांड मोदी की वजह से। ज्यादातर एग्जिट पोल्स इन तीनों राज्यों में बीजेपी को अधिकतम सीटें दे रही हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 65 लोकसभा सीटें हैं और एग्जिट पोल्स के अनुमान के मुताबिक बीजेपी 52 से 60 के बीच सीटें यहां पर जीत रही है। 65 में से 52 से 60 के बीच सीटें बीजेपी जीत सकती है, यानी बीजेपी को 2014 के मुकाबले कुछ नुकसान तो हो रहा है, लेकिन वो नुकसान बहुत कम है। इसमें खास बात यह है
कि ये तो जाहिर है बीजेपी को कुछ नुकसान इस बार होना ही था, क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे थे, गुजरात राजस्थान जैसे राज्य, जहां पर बीजेपी 100% सीटें जीती थी 2014 में। हर बार 100% वोटें जीतना संभव नहीं है, सीटें जीतना संभव नहीं है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी हर बार 80 में से 72-73 सीटें जीतना संभव नहीं है। लेकिन बीजेपी ने जो इस बार काम किया है वो ये कि उन्होंने उत्तर भारत में ऐसे सारे राज्यों में जो अपना नुकसान था उसको न्यूनतम स्तर पर वो लेकर आए, यानी नुकसान तो हो, सीटें कम तो हो, लेकिन कम से कम नुकसान हो, उन्होंने उसको कंटेन कर लिया। बहुत कम नुकसान के साथ वो वहां से निकल आए, और जो नए राज्य थे जहां बीजेपी ने मेहनत की थी, जो वो सोचते थे कि जो नुकसान होगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में, उसे दूसरे राज्यों से उसकी भरपाई हो जाएगी, वहां उन्होंने जबरदस्त भरपाई वहां से कर ली है। इसलिए जो नुकसान उत्तर भारत में होता हुआ नजर आता है 10-20 सीटों का, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी ने दूसरे राज्यों में सीटों को जीत लिया और उसे बराबर कर दिया। इसका मतलब यह है कि बीजेपी 282 या उससे ज्यादा सीटें भी अपने दम पर इस बार जीत सकती है। एक और बड़ी बात यह है कि अगर आपने देखा हो तो सारे एग्जिट पोल लगभग एक जैसे नतीजे आपको दे रहे हैं, यानी ऐसा लगता है कई बार तो देखकर कि जैसे एक ही व्यक्ति ने, एक ही एजेंसी ने ये सारे एग्जिट पोल किए हों। सारे के सारे एग्जिट पोल या तो बिल्कुल सही साबित होंगे या ये सारे के सारे गलत साबित होंगे। लेकिन अगर ये सही है तो इससे ये समझ में आता है कि बीजेपी की एक लहर तो थी, नरेंद्र मोदी की एक लहर है जिसकी वजह से ये सारी सीटें आ रही हैं। और अगर लहर थी तो फिर आप ये भी मानकर चलिए कि ये सारे एग्जिट पोल उस लहर को, उसका जो, उसकी जो मजबूती है उसे अभी भी ये नहीं समझ पाए। अब भी आप 10-20% का मार्जिन छोड़कर चलिए जो इन एग्जिट पोल्स में रह गया होगा, यानी एक अंदाजा ये भी हो सकता है कि बीजेपी की सीटें इससे भी कहीं ज्यादा आएंगी। अगर केंद्र में मोदी सरकार आती है तो खास तौर पर उन राज्य सरकारों पर बहुत दबाव बढ़ जाएगा जहां पर इस समय ममता बनर्जी हैं, जैसे पश्चिम बंगाल पर दबाव बढ़ेगा। उड़ीसा में गैर बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहां पर नवीन पटनायक से आखिरी दिनों में नरेंद्र मोदी की इक्वेशन बहुत अच्छी हो गई, इसलिए उड़ीसा में बीजेपी और नवीन पटनायक आपस में काम कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े राज्य हैं जहां पर दबाव बढ़ जाएगा वो है पश्चिम बंगाल की सरकार पर, अब दबाव और बढ़ेगा अगर नरेंद्र मोदी सरकार आ गई। मध्य प्रदेश की सरकार पर दबाव और बढ़ जाएगा, राजस्थान की सरकार पर दबाव अब और बढ़ सकता है, और कर्नाटक की सरकार पर भी काफी दबाव रहने वाला है अगर मोदी सरकार वापस लौट आई। अगर एग्जिट पोल्स के जो प्रोजेक्शंस हैं इन्हें देखें तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 11 से 16 सीटें मिल सकती हैं, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये देखिए, यहां अगर आप औसत देखें तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी 17 सीटें जीत रही है, जो कि अकल्पनीय है। इसकी कल्पना भी पहले किसी ने नहीं की थी कि बीजेपी 17 सीटें जीत सकती है, बहुत बड़ी बात है। तृणमूल कांग्रेस 23 सीटें जीत रही है और बीजेपी 17 सीटें वहां पर जीत रही है, कांग्रेस 2 सीटें जीत रही है। ये बीजेपी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछली बार बीजेपी ने वहां 2 सीटें जीती थी, इस बार सीधे 15 सीटों का फायदा बीजेपी को अकेले पश्चिम बंगाल से ही हो रहा है। उड़ीसा में भी बीजेपी को 12 सीटें मिल सकती हैं, यहां से भी उन्होंने जबरदस्त भरपाई की है बाकी सीटों की। आपकी स्क्रीन पर उड़ीसा है, उड़ीसा में अगर आप देखें 10 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं 21 में से। अब आप सोचिए, लगभग आधी सीटें बीजेपी ने वहां से जीत ली हैं। इसका मतलब राज्य में विरोधी सरकार होने के बाद भी बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। नवीन पटनायक का जादू काफी हद तक बीजेपी ने वहां पर कम कर दिया है और 10 सीटें जीत ली हैं। ये 10 सीटें भी उत्तर भारत में हुए नुकसान की बहुत अच्छी तरह से भरपाई कर रही हैं, यानी 15 सीटें एक्स्ट्रा बीजेपी को पश्चिम बंगाल से मिल रही हैं, 10 सीटें उड़ीसा से मिल रही हैं, 25 सीटों का सीधा फायदा तो सिर्फ इन्हीं 2 राज्यों से हो गया। ज्यादातर एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस की स्थिति 2014 के मुकाबले सीटों की संख्या में बेहतर हुई है, लेकिन कांग्रेस 100 के करीब भी नहीं पहुंच पाएगी। यहां तक कि ज्यादातर एग्जिट पोल्स में पूरे के पूरे यूपीए को 115 से 125 लोकसभा सीटें दी जा रही हैं, और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का चुनाव अभियान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। अधिकतर एग्जिट पोल्स ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, लेकिन चौंकाने वाला एग्जिट पोल आज तक एक्सिस का है। इसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में 1 सीट भी मिल सकती है। अब ये खतरनाक प्रेडिक्शन है।
और ऐसा लगता है कि इस एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी रायबरेली की सीट तो जीत रही है जहां पर सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन अमेठी में राहुल गांधी हार रहे हैं। अगर आज तक एग्जिट पोल के नतीजों को हम सही माने तो, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल यही कह रहे हैं कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में दो सीटें मिलेंगी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सीट। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए अमेठी से कोई बुरी खबर इस बार आ भी सकती है और वो स्मृति ईरानी के हाथों हार भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान इस बार सौंपी गई थी, लेकिन उनका राजनीतिक अभियान भी फ्लॉप हो गया और उनका जो डेब्यू हुआ राजनीति में, जो उन्हें इस बार राजनीति में उतारा गया था, यह डेब्यू उनका बिल्कुल फ्लॉप रहा। प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी पार्टी की कोई मदद कहीं पर भी नहीं कर पाई है। और ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 60 से 70 सीटों के आसपास इस बार सिमट जाएगी। पिछली बार अभी जब ये लोकसभा जब भंग हुई है तब उनके पास पिछली बार उन्होंने 44 सीटें जीती थी, इस बार हो सकता है बढ़कर 60 से 70 सीटें जीत ले। और अब आप हिमाचल प्रदेश देखिए, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 4 सीटें मिल रही हैं, 4 में से 4 यानी सारी सीटें बीजेपी इस बार वहां पर जीत रही है। तमिलनाडु अब देखिए, तमिलनाडु एक बड़ा राज्य है क्योंकि वहां पर 38 सीटें हैं और यहां बीजेपी प्लस 8 सीटें जीत रही है क्योंकि यहां बीजेपी का गठबंधन AIADMK से है और उसके साथ बीजेपी 8 सीटें जीत रही है, लेकिन कांग्रेस का जो गठबंधन है जिनका डीएमके के साथ गठबंधन है वो 29 सीटें वहां पर जीत रहे हैं। यानी ये एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस और उसका गठबंधन, कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और यहां पर डीएमके और कांग्रेस मिलकर 29 सीटें जीत रहे हैं जबकि बीजेपी और AIADMK 8 सीटें वहां पर जीत रहे हैं। एक बार फिर से फाइनल स्कोर आपकी स्क्रीन पर है, बीजेपी प्लस 306 सीटें, कांग्रेस प्लस 117 सीटें और अन्य दल 109 सीटें। अगर मोदी सरकार की वापसी के आसार नजर आ रहे हैं तो उसमें मुख्य योगदान मोदी सरकार की योजनाओं का भी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के मन में अब यह सवाल भी आएगा कि जो कास्ट फैक्टर है, जातिगत समीकरण है, इन्हें नरेंद्र मोदी ने तोड़ा कैसे। पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार की कुछ मुख्य योजनाएं आई, जैसे उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत के तहत शौचालय बनाने की योजना और आयुष्मान भारत योजना, जिससे लोगों को बहुत फायदा हुआ और बीजेपी के नेता अक्सर ये कहते थे कि इन योजनाओं से किसी खास जाति या धर्म के लोगों को फायदा नहीं होगा, सारे लोगों को इनसे फायदा होगा, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। जब विकास आता है, जब डेवलपमेंट आता है किसी देश में, तो वो जाति और धर्म देखकर नहीं आता। अगर हाईवेज बन रहे हैं तो सबके लिए बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं तो सबके लिए बन रहे हैं, दवाइयां सस्ती हो रही हैं तो सबके लिए सस्ती हो रही हैं, चाहे किसी जाति या धर्म के लोग हों। और इसी की वजह से उन्होंने इस कास्ट फैक्टर को तोड़ा है। और दूसरी जो बात है वो है, उन्होंने राष्ट्रवाद को इंट्रोड्यूस किया भारत की राजनीति में। राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है जो जाति और धर्म के समीकरणों को तोड़ देता है। एग्जिट पोल्स के अगर आंकड़े देखें तो लगता है कि जिन लोगों को इसका लाभ मिला उन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया कास्ट फैक्टर से ऊपर उठकर। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने जिस तरह जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी को अपनी इन योजनाओं का लाभ दिया, उसी तरह जनता ने भी जातीय सीमाओं को तोड़कर मोदी सरकार को पसंद किया और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से वोट दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का चौकीदार चोर है वाला नारा इस बार फेल हो गया, अगर ये एग्जिट पोल सही है तो। चौकीदार चोर है का नारा नहीं चला। रफाल विमान सौदे में भ्रष्टाचार का कांग्रेस का जो मुद्दा था, राहुल गांधी अपनी हर रैली में रफेल का मुद्दा उठाते थे, हर रैली में रफेल विमान का दाम बताते थे और कहते थे कितना पैसा खाया गया है, हर रैली में अनिल अंबानी का नाम लेते थे, हर रैली में चौकीदार चोर है के नारे लगवाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो सब कुछ राहुल गांधी के काम नहीं आया। राहुल गांधी ने गलत मुद्दों पर अपना समय बर्बाद किया, राहुल गांधी ने गलत मुद्दों को लेकर अपनी रणनीति बनाई और वो सारे मुद्दे ऐसे थे जिनसे कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ वक्त की बर्बादी हुई। अगर ये एग्जिट पोल सही है तो बीजेपी ने
अब आपको पंजाब का बताते हैं। देखिए पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है, अमरिंदर सिंह की सरकार है, और पंजाब में बीजेपी 4 सीटें जीत रही है। बीजेपी प्लस यानी बीजेपी और अकाली दल का जो गठबंधन है, 13 में से 4 सीटें वो लोग वहां से जीत रहे हैं। कांग्रेस 8 सीटें जीत रही है और आम आदमी पार्टी 1 सीट वहां से जीत रही है। पंजाब में भी कुछ समय पहले तक बताया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी का तो खैर वहां पर सफाया हो ही गया है, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई है और अब अकाली दल और बीजेपी के लिए वहां कोई चांस नहीं है। लेकिन ऐसे में भी बीजेपी और अकाली दल ने अगर 4 सीटें वहां से जीत ली तो ये भी बीजेपी के काम आएंगी ये 4 सीटें। बीजेपी ने, अब आप देखिए बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने राष्ट्रवाद और विकास का जो शानदार मिश्रण तैयार किया वो चुनाव में हिट होता चला गया। वो लोग जानते थे कि अगर राष्ट्रवाद को विकास की योजनाओं के साथ मिला दिया जाए तो इससे जातिगत समीकरणों को तोड़ा जा सकता है। बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे का जनता के मन पर गहरा असर हुआ, बालाकोट का मुद्दा चल गया और बालाकोट की वजह से बीजेपी को बहुत फायदा हुआ, लोगों ने उस मुद्दे को पसंद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्टैंड लिया पाकिस्तान के खिलाफ, लोगों ने उसे पसंद किया, और जिन लोगों ने पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी दिखाई, जो लोग इमरान खान के साथ गले मिल रहे थे, जो लोग इमरान खान से दोस्ती की बात कर रहे थे, लोगों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। लोगों ने उन्हें बता दिया कि आप विपक्ष में ही अच्छे लगते हैं, आप विपक्ष में ही रहिए, बने रहिए विपक्ष में। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के बीच लगातार विपक्ष के नेताओं को पाकिस्तान की बी टीम की तरह पेश भी किया और शायद जनता ने इस पर भरोसा कर लिया। और अगर देखा जाए तो ज्यादातर एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और एनडीए को इस समय बहुत आसानी से बहुमत मिल रहा है, इसलिए अब बीजेपी को सिर्फ 180 सीटें मिलने वाली थ्योरी आज के बाद बिल्कुल फेल हो जाएगी। अब तक आपने देखा होगा चुनाव को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं लगातार चल रही थी। देश भर के चुनावी पंडित, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े धुरंधर लोग जो कहते थे कि हमें बहुत अनुभव है, हम ग्राउंड पर होकर आए हैं, हमें माहौल के बारे में पूरी जानकारी है, वो लोग कहते थे कि बीजेपी इस बार 200 भी पार नहीं कर पाएगी, 180 के आसपास सिमट कर रह जाएगी, बीजेपी की बहुत बुरी हालत है। ऐसे तमाम लोगों की आज हार हुई है और उनके अनुभव पर और उनकी राजनीतिक समझदारी पर बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। अभी तक के एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक एनडीए को 300 से 350 सीटें मिल सकती हैं। इन अनुमानों को देखकर लगता है जैसे सारे एग्जिट पोल्स ऐसा लगता है एक ही व्यक्ति ने किए हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पर भी देखेंगे सारे एग्जिट पोल्स 300 के ऊपर का आंकड़ा इस समय एनडीए को दे रहे हैं, बीजेपी प्लस को दे रहे हैं, 306, 305, 277, 336। सिर्फ एक एग्जिट पोल है जो 300 से कम दे रहा है, 277, और उसी की वजह से औसत कम हो रहा है और कम होकर 306 पर आ रहा है। 306 का मतलब यह है कि अब अगर यह सही है तो कि अब नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। इन एग्जिट पोल्स ने नरेंद्र मोदी की जो लहर है, मोदी वेव को पकड़ा तो है, लेकिन शायद वो अभी भी पूरी तरह से इस अंडरकरंट को नहीं पकड़ पाए हैं। और इसीलिए मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि जो फाइनल स्कोर आएगा वो इससे ज्यादा आएगा, क्योंकि एग्जिट पोल्स ने ये इशारा तो कर दिया कि नरेंद्र मोदी वापस आ रहे हैं, बीजेपी अच्छी सीटें जीत रही है, एनडीए को बहुमत मिल रहा है, लेकिन अभी भी शायद ये सारे एग्जिट पोल अंडर करंट को नहीं समझ पाए हैं, और जिसको वो कहते हैं बहुत सारे लोग साइलेंट वेव, उसे भी ये लोग नहीं समझ पाए हैं। तो जो मार्जिन ऑफ एरर है उसको अगर हम और ध्यान में रखें तो बीजेपी की सीटें 2014 से भी ज्यादा इस बार हो सकती हैं। और अब आपके लिए असम की टैली भी आ गई है। असम की टैली आपको बता देते हैं, 14 सीटें हैं असम में, और वहां बीजेपी 14 में से 9 सीटें जीत रही है, कांग्रेस 4 सीटें जीत रही है और अन्य दलों को 1 सीट वहां पर मिल रही है। ये असम का स्कोर है। वैसे आज जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसने बड़े बड़े नेताओं, बुद्धिजीवियों, लुटियंस गैंग, खान मार्केट गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग के तमाम डिजाइनर नेताओं को, तमाम डिजाइनर पत्रकारों को, तमाम बुद्धिजीवियों को
जो कि जेएनयू में नारेबाजी करते थे, जो कि कन्हैया कुमार का समर्थन करते थे, जो पाकिस्तान से दोस्ती की बातें किया करते थे, जो आतंकवादियों के पक्षधर बना करते थे, जो कहते थे कि पुलवामा में जो कुछ हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, जो कहते थे कि जो एयर स्ट्राइक्स बालाकोट में हुई हैं, जो उन पर सवाल उठाया करते थे, उनके लिए आज का दिन बहुत बुरा दिन है। आज उनकी विश्वसनीयता पर बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लग गए हैं और अब वो सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि काश ये सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित हो जाएं। लेकिन सारे के सारे एग्जिट पोल्स गलत कैसे हो सकते हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज इन्हीं एग्जिट पोल्स को लेकर एक प्रकार से इन्हें आखिरी नतीजा मान लिया है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि आज आया हर एग्जिट पोल गलत नहीं हो सकता, सारे टीवी चैनल्स के, सारी एजेंसियों के एग्जिट पोल गलत नहीं हो सकते। उन्होंने टीवी बंद करके और सोशल मीडिया से लॉग आउट करके 23 मई का इंतजार करने की बात कही है और उम्मीद जताई है कि शायद कोई चमत्कार 23 मई को हो जाए। और जैसा मैं आपको बता रहा था, ज्यादातर ऐसे जो लोग हैं वो अब यही सोच रहे हैं कि 23 मई को तब तक आंख बंद करके शांति से बैठा जाए, शायद 23 मई को कोई चमत्कार हो जाए। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी भी एग्जिट पोल्स को गॉसिप बता रही हैं, गप बता रही हैं और कह रही हैं कि इसके पीछे कोई बहुत ही गहरी साजिश है। एग्जिट पोल के नतीजों का खौफ ऐसा है कि उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों से एकजुट रहने की अपील की है। और आपने ये भी देखा होगा कि सारे विपक्षी दल जो हैं उन्होंने एक दूसरे से मुलाकात करना भी शुरू कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू सारे विपक्षी दलों से मिल रहे हैं, वो राहुल गांधी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, बाकी लोगों से भी मिल रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं जैसे कि कोई थर्ड फ्रंट की सरकार बनने वाली हो। ये सारे नेता वो हैं जो इस थ्योरी को फैला रहे थे कि इस बार हंग पार्लियामेंट आएगी और किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, ऐसे में महागठबंधन के लिए बहुत शानदार मौका है। लेकिन आज के एग्जिट पोल देखने के बाद मुझे लगता है अब 23 मई तक ऐसे किसी भी नेता को अब किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। इस बीच आपकी स्क्रीन पर झारखंड का महा एग्जिट पोल है। झारखंड में बीजेपी को 10 सीटें मिल रही हैं, 14 सीटों में से 10 सीटें बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस 4 सीटें जीत रही है और अन्य दलों को कोई सीट वहां से नहीं मिल रही है। यानी झारखंड में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, 14 में से 10 सीटें। कुल मिलाकर इस बार के एग्जिट पोल ने बहुत सारे नेताओं के एग्जिट का संकेत दे दिया है। यह एग्जिट पोल सिर्फ एग्जिट पोल नहीं है, यह इस देश की राजनीति से बहुत सारे मुद्दों के एग्जिट पोल के संकेत हैं, बहुत सारे नेताओं के एग्जिट के इसमें संकेत छुपे हुए हैं। ये एग्जिट पोल आपको ये आज ऐलान कर रहे हैं आपके सामने कि अब भारत की राजनीति से बहुत सारे लोगों की एग्जिट हो जाएगी, बहुत सारे नारों की एग्जिट हो जाएगी, बहुत सारे जो विषय हैं, बहुत सारे पत्रकार, बुद्धिजीवी, उन सब की एग्जिट हो जाएगी। आज उनके लिए बहुत क्लाउडी वेदर है, आज उनके रेडार काम नहीं करेंगे। वैसे इस बार के एग्जिट पोल्स सोशल मीडिया पर भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। अब बड़े बड़े नेताओं को सोशल मीडिया पर भी थोड़ा सा कम भरोसा करना होगा। आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया को ही असली जिंदगी, असली दुनिया मान लेते हैं और सोशल मीडिया की राजनीति करते हैं। वो अपने हैशटैग्स को ट्रेंड करवाते हैं और सोचते हैं कि अगर उनका हैशटैग ट्रेंड कर गया तो इसका मतलब देश का मूड बदल गया। इसलिए वो सारे लोग, वो सारे बुद्धिजीवी, वो सारे पत्रकार, वो सारे विपक्षी नेता जो सोशल मीडिया को देखकर अपनी रणनीति बनाते हैं, सोशल मीडिया पर ट्वीट पढ़कर वो ये समझते हैं कि यही देश के असली विषय हैं और यही देश का असली मूड है, उन सारे लोगों के लिए भी आज बहुत कुछ नया सीखने का दिन है। आज लोगों ने ये बता दिया कि सोशल मीडिया पर जो कुछ होता है वो अक्सर नकली होता है। सोशल मीडिया की दुनिया में और असल दुनिया में बहुत फर्क है। देश का 90 करोड़ वोटर असल में क्या सोच रहा है ये जानने में इस देश के बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े बुद्धिजीवी और विपक्षी दल, विपक्षी नेता सब के सब नाकाम रहे हैं। अब सारी जो उम्मीदें हैं इन एग्जिट पोल्स पर टिकी हैं। अब अगर ये एग्जिट पोल्स भी नाकाम रहे तो फिर अलग बात होगी, फिर पता चलेगा कि देश का मूड बिल्कुल ही अलग था। लेकिन अगर ये सारे के सारे एग्जिट पोल अगर एक ही तरफ जाने के आपको इंडिकेशंस दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि देश का मूड अब नरेंद्र मोदी का साथ देने का ही है।
अब बड़े बड़े नेताओं को सोशल मीडिया के ट्रेंड देखने अब बंद कर देने चाहिए, क्योंकि अपने हैशटैग ट्रेंड कराने से वोट नहीं मिलते। जिन लोगों ने पाकिस्तान से दोस्ती की थी, आज उनके लिए भी रोने वाला दिन है, क्योंकि एग्जिट पोल्स के नतीजे एक प्रकार से उनकी हार है। तमाम मीडिया हाउसेज की भी हार हुई, जो नरेंद्र मोदी की हार की स्क्रिप्ट लिख कर बैठे हुए थे। सच्चाई यह है कि एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि नेताओं को और मीडिया को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जनता के मन में असल में क्या चल रहा है। और अब आपको एक और बड़ी खास तस्वीर दिखाते हैं। परीक्षा की सबसे बड़ी घड़ी में दुनिया के कोई भी छात्र अगर रहा हो, वो अक्सर नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे नंबरों से पास होने की चिंता लगातार लगी रहती है और उन्हें यह पता नहीं होता कि नतीजा क्या होगा। यही बात राजनीति में भी लागू होती है। देश के नेताओं के लिए लोकसभा चुनाव उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि उनके लिए फेल होने का मतलब होता है सत्ता से बाहर हो जाना। हालांकि इस लिहाज से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जरा दूजी किस्म के प्रधानमंत्री हैं, जरा दूजी किस्म के नेता हैं। आखिरी चरण के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंच गए और वहां उन्होंने चुनावी शोर से बहुत दूर केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाया। इन तस्वीरों को देखते वक्त आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त रहे होंगे। यानी नरेंद्र मोदी वहां केदारनाथ में एक गुफा में बैठकर आराम से ध्यान लगा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। पूरा देश परेशान हो रहा है, पूरे देश के नेता परेशान हो रहे हैं, मीडिया परेशान हो रहा है कि आखिर पता तो चले कि 90 करोड़ लोगों ने किसे वोट दिया, क्या किया। लेकिन ये व्यक्ति एक ऐसा है जिसे शायद ये तस्वीरें देखकर आपको लगेगा कि इन्हें शायद पहले से पता था, भरोसा था कि आएगा तो मोदी ही। 2014 में कुल 66.4% वोटिंग हुई थी। 2019 के चुनाव में 68% से ज्यादा वोटिंग हुई है, यानी पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार करीब 2% ज्यादा वोटिंग हुई है। और इसका संकेत यह माना जाएगा कि ज्यादा वोटिंग का मतलब है कि लोग नरेंद्र मोदी को वापस लाने के लिए ज्यादा संख्या में वोट देने के लिए बाहर निकले। बीजेपी का कार्यकर्ता, जो कि हम पूरे चुनाव के दौरान सुनते रहे कि बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का वोटर बाहर नहीं निकला, बीजेपी का वोटर घर के अंदर ही रह गया और नरेंद्र मोदी को हटाने वाले लोग ज्यादा बाहर निकले, वो थ्योरी भी आज ध्वस्त हो गई। टाइम्स नाउ वीएमआर के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बीजेपी को 34.2% वोट मिल सकते हैं, जबकि 2014 में बीजेपी को 31.3% वोट मिले थे, यानी 2014 से भी ज्यादा प्रतिशत वोट इस बार बीजेपी को मिलेगा। इसका मतलब है 3% वोटों का फायदा बीजेपी को हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का प्रभाव बढ़ा है। ये वो नए इलाके हैं जहां बीजेपी ने अपना प्रभुत्व जमाया है। बीजेपी का वोट बेस और बड़ा हुआ है, यानी अब बीजेपी देश के हर राज्य में अपनी पहुंच बना रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 83.40 करोड़ वोटर थे और तब 54.78 करोड़ वोटर्स ने वोट दिया था। इनमें से बीजेपी को 17.16 करोड़ से ज्यादा वोट मिले थे। एग्जिट पोल कितने सटीक होते हैं, अब हम इस पर बात करते हैं कि हम कैसे मान लें कि ये सारे एग्जिट पोल सही ही होंगे। 2019 की पिक्चर क्या वही होगी जो तमाम एग्जिट पोल्स ने आज शाम आपको बताई है, या फिर कोई दूसरी तस्वीर भी आपके सामने आ सकती है? क्या 23 मई को आपको कोई बिल्कुल नई तस्वीर देखने को मिल सकती है? क्या 23 मई आपको बिल्कुल हैरान कर सकती है? यह समझने के लिए हमने आपके लिए पिछले 5 लोकसभा चुनावों के एग्जिट पोल्स का ट्रैक रिकॉर्ड निकाला है। यह ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, ये भी आप देख लीजिए। सबसे पहले पिछला चुनाव 2014 का, जिसमें मोदी लहर थी, तब एग्जिट पोल्स ने एनडीए को 249 से लेकर 340 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था और अलग अलग एग्जिट पोल्स ने यूपीए को 70 से लेकर 148 सीटें दी थी। 2014 में सबसे सटीक एग्जिट पोल टुडेज चाणक्य का था। इस एग्जिट पोल में एनडीए को 340 सीटें दी गई थी और अकेले बीजेपी को 291 सीटें मिलने का अनुमान था। असली नतीजों में बीजेपी को अपने दम पर 282 सीटें मिली, जबकि एनडीए को 333 सीटें मिली थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स ने बीजेपी गठबंधन को 175 से 197 सीट दी थी, कांग्रेस गठबंधन को 195 से 199 और अन्य पार्टियों को 136 से 180 सीटें दी। लेकिन असली नतीजों में बीजेपी गठबंधन को 159, कांग्रेस गठबंधन को 262 और अन्य को 79 सीटें मिली थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे, एग्जिट पोल्स ने बीजेपी गठबंधन को 248 से लेकर 270 सीटें दी थी। यानी एग्जिट पोल्स ये कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कुछ ना कुछ करके वापस लौट आएगी।
कांग्रेस गठबंधन को तब 176 से 190 सीटें दी गई थी, अन्य पार्टियों को 92 से 105 सीटें। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 189 सीटें और कांग्रेस गठबंधन को 222 सीटें दी गई थी और अन्य को 132 सीटें। नतीजा यही हुआ कि यूपीए की सरकार बन गई और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार चली गई। 99 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स ने बीजेपी गठबंधन को 300 से लेकर 332 सीटें दी थी, कांग्रेस गठबंधन को 138 से 146 सीटें। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी गठबंधन को 296, कांग्रेस गठबंधन को 134 और अन्य को 113 सीटें मिली। और 1998 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स ने बीजेपी गठबंधन को 214 से लेकर 249 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 149 से लेकर 164 सीटें दी थी। लेकिन जो असली नतीजे थे उनमें बीजेपी गठबंधन को 252 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 166 और अन्य को 119 सीटें मिली थी। यहां आपको ये याद दिला दें कि आज सिर्फ एग्जिट पोल सामने आए हैं, ये फाइनल नतीजे नहीं हैं। हो सकता है कि जब नतीजे आए तो ये तस्वीर बदल जाए, कुछ हद तक बदल सकती है और बहुत हद तक भी बदल सकती है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि सारे के सारे एग्जिट पोल्स शायद गलत ना हो। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, वो बीजेपी का भी सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा है। अगर केंद्र में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है तो नरेंद्र मोदी राजनीति की दुनिया के सुपरमैन बन जाएंगे। अगर बीजेपी एक बार फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है और अपने दम पर अगर उसे बहुमत मिल जाता है तो इससे ब्रांड मोदी भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा ब्रांड बन जाएंगे आज तक के। और अब तेलंगाना के नतीजे आपकी स्क्रीन पर हैं। ये नतीजे अभी अभी प्रोसेस होकर हमारे पास आए हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर है तमिलनाडु और अब तेलंगाना के नतीजे देख लीजिए। तेलंगाना में बीजेपी को एक सीट मिल रही है, कांग्रेस को एक सीट मिल रही है, लेकिन टीआरएस को 14 सीटें मिल रही हैं। केसीआर स्वीप कर रहे हैं, 14 सीटें वहां उन्हें मिल रही हैं 17 में से। ये तेलंगाना के नतीजे हैं। ये सीटें बीजेपी को काम आ सकती हैं, नरेंद्र मोदी को काम आ सकती हैं, जैसे तेलंगाना के नतीजे हुए, आंध्र प्रदेश के नतीजे हुए, क्योंकि अगर अपने दम पर उन्हें बहुमत नहीं मिला और ज्यादा सीटों की जरूरत पड़ी तो फिर इस तरह के जो दल हैं वो एनडीए सरकार को समर्थन दे सकते हैं। देश की जनता को 80 और 90 के दशक से ही प्री पोल, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जैसे शब्दों से लगाव होना शुरू हो गया था। ये वो दौर था जब भारत में टेलीविजन ने घर घर में दस्तक देना शुरू कर दिया था। टेलीविजन पर कई कई दिनों तक, आपको याद होगा जब वोटों की गिनती हुआ करती थी तो टेलीविजन पर लाइव प्रसारण आया करता था। देश में अमूमन हर आम चुनाव, उपचुनाव या विधानसभा चुनाव के खत्म होने के साथ ही एग्जिट पोल को लेकर विशेष उत्सुकता हमेशा बनी रहती थी। राजनीतिक दल भी एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद अपना गणित तलाशना शुरू कर देते थे। अलग अलग सर्वेज को मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा जाता है, पहला होता है ओपिनियन पोल, दूसरा होता है एग्जिट पोल। चुनाव की घोषणा के बाद जब वोटर्स से उनकी राय पूछी जाती है तो उस सर्वे को ओपिनियन पोल कहते हैं। इस सर्वे में मुख्य रूप से सैंपल साइज पर जोर दिया जाता है, जिसका जितना बड़ा सैंपल साइज होता है उसके नतीजे उतने ही सटीक होते हैं। सैंपल साइज और सैंपल क्या है यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब यह हो कि सर्वे करने के लिए कितने लोगों की राय ली गई और कैसे लोगों की राय ली गई। दूसरी तरफ मतदान के दिन जब वोटर वोट डालकर पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है, एग्जिट करता है, तो सर्वे करने वाले उससे ये पूछते हैं कि आपने कौन सी पार्टी को वोट दिया या फिर आपकी नजर में कौन सी पार्टी जीत सकती है। ऐसे सर्वे को एग्जिट पोल कहा जाता है, क्योंकि जब वोटर वोट डालकर पोलिंग बूथ से एग्जिट कर रहा होता है यह तब सर्वे किया जाता है, इसलिए इसे एग्जिट पोल कहते हैं। एग्जिट पोल्स के साथ समस्या यह है कि वो वोटर के जवाब पर निर्भर होते हैं और अगर वोटर सही जवाब ना दे तो एग्जिट पोल के नतीजे गलत हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि 10% के मार्जिन ऑफ एरर के साथ सटीक नतीजे बताने के लिए एग्जिट पोल का सैंपल साइज कम से कम टोटल वोटर बेस का 1% होना चाहिए। अब गणित लगाइए, अगर 90 करोड़ वोटर्स में से अगर 60 करोड़ वोटर्स ने वोट दिया है तो सैंपल साइज 60 करोड़ का 1% यानी 60 लाख होना चाहिए, तब आपको विश्वसनीय एग्जिट पोल मिलेगा। लेकिन जमीनी स्तर पर ज्यादातर एजेंसियों का के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता, इसलिए सैंपल साइज बेहद छोटा होता है, बेहद कम होता है और इसी वजह से नतीजे सटीक नहीं होते। 2014 के एग्जिट पोल के आंकड़ों को अगर एक केस स्टडी मान लिया जाए तो इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। 2014 में कुल
84 करोड़ वोटर्स में से करीब 55 करोड़ वोटर्स ने वोट डाला था। ऐसे में आदर्श सैंपल साइज 55 लाख होना चाहिए, जो कि 1% होता है 55 करोड़ का, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा हुआ नहीं। तब तमाम एजेंसियों का सैंपल साइज 36,000 से लेकर 1,84,000 तक था सिर्फ, जो कुल वोटर्स का 0.0065% हुआ। यह संख्या 1% के आदर्श आंकड़े के मुकाबले बहुत ही कम है। किसी एग्जिट पोल की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि सैंपल में शामिल किए गए लोग कितने बड़े क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। अगर एक ही पोलिंग बूथ या एक ही संसदीय क्षेत्र के लोगों से राय ले ली जाएगी तो गलती की आशंका बढ़ जाती है। एक सैंपल इकट्ठा करने में, एक सैंपल यानी एक व्यक्ति से बातचीत करने में 250 से 300 रुपए का खर्चा आता है। ये खर्च भी सर्वे पर बड़ा असर डालता है। अगर 1% के आदर्श सैंपल के साथ सर्वे किया जाएगा तो 2019 के संदर्भ में उसका खर्च होगा 1,500 करोड़ रुपए। आपको क्या लगता है 1500 करोड़ रुपए में क्या कोई एजेंसी ऐसा एग्जिट पोल कराएगी? इतना खर्च करना किसी एजेंसी के लिए संभव नहीं, इसलिए वो सिर्फ हल्का फुल्का पूर्वानुमान लगाकर दे देते हैं और उनके लिए वैज्ञानिक तरीके का 100% पालन करना संभव ही नहीं होता, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। इस विश्लेषण के अंत में हम अपने दर्शकों को एग्जिट पोल से जुड़ी एक वैधानिक चेतावनी जरूर देना चाहेंगे, और वो चेतावनी ये है कि आज जो आंकड़े एग्जिट पोल्स ने आपके सामने रखे हैं वो अंतिम नतीजे नहीं है, वो एक अंदाजा है। एग्जिट पोल्स गलत भी साबित हो सकते हैं और इसका एक लंबा इतिहास रहा है जिसके बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारी पहले से दे दी है। इसलिए पूरे देश को 23 मई की सुबह का इंतजार करना होगा, वो सुबह फाइनल फैसले की सुबह होगी और उस दिन आपका समय हमारे साथ सुरक्षित रहेगा। इसलिए अभी से 23 मई का रिमाइंडर लगा लीजिए, लेकिन 23 मई की फाइनल पिक्चर क्या हो सकती है उसका अंदाजा आज एग्जिट पोल्स ने आपको दे दिया है। अब जो मोदी समर्थक हैं वो सारे लोग यही सोच रहे होंगे, वो विश्वास कर लेंगे तुरंत कि ये सारे एग्जिट पोल सही हैं। वैसे भी सारे के सारे एग्जिट पोल गलत कैसे हो सकते हैं, और वो ये सोचेंगे कि एग्जिट पोल सही साबित हों। और हमारे देश के विपक्षी दल के नेता, डिजाइनर पत्रकार, डिजाइनर नेता, बुद्धिजीवी, पाकिस्तान के दोस्त, पाकिस्तान के हमदर्द, वो सारे आज ये प्रार्थना करेंगे कि ये सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित हों। लेकिन आखिरी नतीजे 23 मई को, और 23 मई को सुबह से आप रहिएगा जी न्यूज के साथ। तो आज के इस विशेष डीएनए में इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और 23 मई की सुबह का समय जी न्यूज़ के लिए अभी से सुरक्षित कर लीजिए। उस दिन आपको सारे चुनावी अपडेट्स मिलेंगे और उनका सबसे सटीक विश्लेषण देखने को मिलेगा। नमस्कार।